भारतको लोकसभा चुनावको आचार संहिता लागू हुन केही दिन मात्र बाँकी रहेता पनि केन्द्रीय योजनाहरू देशहितमा उद्घाटनहरू भइरहेका छन्, जसको प्रभाव सिधा आगामी लोकसभा चुनावमा देखिने निश्चित गरिएको छ। भारतीय रेलवे अति दयनीय अवस्थादेखि आज यसले निकै राम्रो प्रगतिशील फट्को मारेको छ। अति सुविधाजनक रेल यात्राको विकासले देशवासीलाई यात्रा गर्न निकै सुगम भएको छ। भारतीय रेलवे 10 नयाँ वन्दे भारतसहित 85,000 करोड रुपियाँमा नयाँ रेल परियोजना सुरु गरेको छ। आज यही परिप्रेक्ष्यमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट एनजेपी स्टेसनको निम्ति वन्दे भारत रेलवे उद्घाटन गरेका छन्। अति सुगम सम्पन्न वन्दे भारत रेल सेवा एनजेपी स्टेसनबाट पटनाको निम्ति आरम्भ गरिएको छ। उक्त रेललाई किशनगञ्ज तथा कटिहारको निम्ति अल्पविराम स्टपेज पनि व्यवस्था गरिएको छ। आज एनजेपीबाट सुरु गरिएको वन्दे भारत परियोजनाले उत्तर बङ्गाल तथा दार्जिलिङ सिक्किम भुटान क्षेत्रको पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने निश्चितसँगै नियमित यात्रीहरूलाई अत्याधिक सुविधा हुनेछ। एनजेपीबाट रेलवे वन्दे भारत उद्घाटन अवधिमा सिलगढी विधानसभाका विधायक शङ्कर घोष तथा रेलवेका डिआरएम सुरेन्द्र सिंह प्रमुख रूपमा उपस्थित रहेका थिए। जलपाइगुडी क्षेत्र पश्चिम बङ्गालके जो द्वारके क्षेत्र उनके लिए बहुत बडा तोहफा है। यहाँ के यात्रियों को बिहार प्रदेश में जाने के लिए और जो बिहार और अन्य प्रदेशों से जो टूरिस्ट जलपाईगुड़ी या पहाड़ी क्षेत्र बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में आना चाहते थे उनके लिए बहुत सुविधा है। ये सुविधाजनक यात्रा का माध्यम है और बहुत ही कम समय में इसकी यात्रा कर सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक की यात्रा करीब 7 घंटे में होगी, जिसमें पहले इसी ट्रेनों में 8.5 घंटे से लेकर 9, 11, 12 घंटे तक का समय लगता था। और यह एक बहुत ही कम्फर्टेबल जर्नी रहेगी और यह जो नई कोच आई है इसमें सुरक्षा के और यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे नए नए इनोवेशंस किए गए हैं। टिकट की सर क्या व्यवस्था की गई है, कुछ आया? टिकट मिलेगा आपको करीब 2,245 रुपये का एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया है और 1,180 रुपये का जो अन्य चेयर कार है उसका किराया है न्यू जलपाईगुड़ी से पटना तक के लिए। और आप खाने के साथ भी टिकट ले सकते हैं और बिना खाने के साथ भी टिकट ले सकते हैं। सर पहले से जो वंदे भारत चल रहे उससे उसके अलावा इसमें कुछ सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई? इसमें सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है कि इसमें जो ऑटोमेटिक प्लस सिस्टम जो है सेंसर बेस्ड किए गए हैं, राइडिंग कंफर्ट इसका ज़्यादा अच्छा किया गया है, सेफ्टी के लिए इंटीग्रेटेड सेफ्टी लेवल 2 लेवल से सर्टिफाइड है ये। और इसमें कवच की व्यवस्था की गई है और इसका जो एक्सीलरेशन टाइम था वो भी कम किया गया है। और इसके अलावा भी जो कोच कंट्रोल सिस्टम था वो भी जीपीएस के साथ इनेबल कर दिया गया है, जिससे कि जिस जगह पर जाएगी उसके हिसाब से कोच कंट्रोल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी ने आज आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया, नियमित रूप से यह ट्रेन कब से चलेगी? नियमित रूप से यह ट्रेन 14 तारीख से चलेगी। ये तो थर्ड वंदे भारत है एनजेपी स्टेशन से। हाँ, और कितना प्लानिंग है अभी? अभी तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था बहुत सारे ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा था,